नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पांच ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिनके नाम से ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड बना देती है और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखते रहिएगा पूरा वीडियो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान की। तो दोस्तों, सलमान खान का नाम ही काफ़ी है फिल्म के हिट होने के लिए। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है और उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी की है जिनका बजट निकाल पाना भी मुश्किल था, लेकिन सिर्फ सलमान खान के नाम की वजह से ही उन फिल्मों का बजट भी निकला और वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि पिछले साल सलमान खान की फिल्म आई थी रेस 3, जिसको काफ़ी ज़्यादा बुरे रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन फिर भी सलमान खान की वजह से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना पूरा बजट रिकवर करके हिट तो नहीं लेकिन एक तरह से एवरेज साबित हो चुकी थी। तो इसी से पता चलता है कि दोस्तों सलमान खान का स्टारडम क्या है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की, तो दोस्तों अक्षय कुमार किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में की है और ज़्यादातर उन्होंने सभी फिल्में सुपरहिट दी है। और दोस्तों, खास करके अक्षय कुमार की फिल्में देश की समस्याओं पर जुड़ी रहती और उनमें नए नए जागृत करने वाली चीज़ें बताए जाते हैं। और दोस्तों, इस वक्त भी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म मिशन मंगल, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ और उसका ट्रेलर देख के ही लग रहा है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों से अक्षय कुमार की एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं हुई है। वही दोस्तों, बात करें अगर साउथ के स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, तो दोस्तों अल्लू अर्जुन का नाम भी इस लिस्ट में आता है। इन्होंने साउथ में बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, लेकिन इनकी फिल्म सराय नायडू को कौन भूल सकता है। फिल्म ने अल्लू अर्जुन का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था और अल्लू अर्जुन की फिल्मों का पूरा भारत दीवाना है। उन्होंने सलमान की फिल्म तक को भी टक्कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें DJ और ट्यूबलाइट दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान की ट्यूबलाइट तो फ्लॉप हो चुकी थी लेकिन अल्लू अर्जुन की फिल्म DJ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड के सिंघम यानी कि सुपरस्टार अजय देवगन की। तो दोस्तों, अजय देवगन ने भी बॉलीवुड में बहुत सी फिल्मों में काम किया है। अजय देवगन ज़्यादातर एक्शन फिल्में करते हैं। उन्होंने अपने दम पर कई फिल्में सुपरहिट करवाई है। इतना ही नहीं, साउथ की फिल्म RR में भी वो एक लीड रोल में नज़र आने वाले हैं, जिस फिल्म के डायरेक्टर है SS राजामौली, और इस फिल्म का भी पूरे हिंदुस्तान को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, अब बात करते हैं साउथ के सलमान खान यानी कि महेश बाबू की। दोस्तों, महेश बाबू के दीवाने पूरे भारत में, और उन्होंने भी साउथ में बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में की है। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म महर्षि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। महेश बाबू के फैन पूरे भारत में हैं और इतना ही नहीं, उनकी फिल्म का भारत बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। तो दोस्तों, ये थे हिंदुस्तान के पांच ऐसे सुपरस्टार जिनके नाम से आज के समय में फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती है। वैसे दोस्तों, इन पांचों सुपरस्टार में से आपका फेवरेट हीरो कौन है कमेंट करके जरूर बताएं।